दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सबसे पुराने लोकतंत्र में से एक। लोकतंत्र की बात हो तो लोग मैग्ना कार्टा को इसकी बुनियाद मानते हैं, लेकिन मैग्ना कार्टा से पहले भी 10वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य के समय में भारत में लोकतंत्र मौजूद था। इसका प्रमाण तमिलनाडु के उथिरामेरुरु नाम के गांव में मिलता है, जहां पत्थरों पर तमिल में लिखी पंचायत व्यवस्था का वर्णन है। दुनिया में कुल 193 देश हैं, इनमें से लगभग 110 देश शुद्ध तौर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था का पालन करते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं वाले देशों में भारत का स्थान सर्वोपरि है, क्योंकि हमारा लोकतंत्र सबसे व्यापक, विशाल और विश्वसनीय है। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं कितनी भव्य हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर लगभग 800 संसद सदस्य हैं, राज्य विधान मंडलों में 4,500 से अधिक विधायक, देश में गांवों की संख्या 6.5 लाख से अधिक है, 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों में 30 लाख से अधिक चुने हुए सदस्य हैं। भारत की आत्मा गांवों में बसती है। हमारे देश में 6.5 लाख से अधिक गांव हैं, जबकि ग्राम पंचायतों की संख्या लगभग 2,55,000। 1992 में 73वें संविधान संशोधन के बाद देश की सभी पंचायतों को व्यापक अधिकार मिले, जिसके बाद पंचायतें अपने फैसले खुद लेने लगी और अपने विकास की न सिर्फ योजनाएं बनाने लगी बल्कि उन्हें खुद ही अमल में भी लाने लगी, जिसका फर्क साफ तौर पर अब जमीन पर देखने लगा है। इन गांवों में आज वो सभी मूलभूत साधन और सुविधाएं मौजूद हैं जो कभी शहरों तक सीमित थी। बात चाहे पक्के मकानों की हो, चाहे सड़कों की, या फिर कंप्यूटर, फोन और इंटरनेट कनेक्टिविटी की, हमारे गांव हर साधन से आज जुड़ चुके हैं, क्योंकि ग्राम पंचायतें आज अपने स्तर पर फैसले ले रही हैं, योजनाओं की तामील कर रही हैं, और ये सब कुछ संभव हो सका है लोकतंत्र से मिली शक्तियों का इस्तेमाल करके। लोकतंत्र की इसी भव्यता को देखने और परखने संसद टीवी की टीम देश के अलग अलग राज्यों की ग्राम पंचायतों में जा रही है। ये ग्राम पंचायतें आज मजबूती के साथ फैसले ले रही हैं और देश के विकास में सहयोग कर रही हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको ले चलेंगे मध्य प्रदेश। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 52 जिले हैं। इन 52 जिलों को 10 मंडलों में बांटा गया है। मध्य प्रदेश में गांवों की संख्या 55,000 से ज्यादा है। तो हम चल रहे हैं मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में। सीहोर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से दक्षिण की ओर भोपाल इंदौर हाईवे से करीब 39 किलोमीटर दूर है। वर्तमान में सीहोर की कुल अनुमानित आबादी 15 लाख से अधिक बताई जाती है। ये है सीहोर जिले की ग्राम पंचायत भाउखेड़ी। भाउखेड़ी पंचायत एक ग्रामीण पंचायत है और इस पंचायत में करीब 1900 परिवार रहते हैं। पंचायत की कुल आबादी 7,000 के करीब है। कुल आबादी की आधी संख्या एससी और एसटी समुदाय की है। पंचायत में करीब 1,000 से अधिक परिवार एससी और एसटी के हैं। पंचायत के लोगों का मुख्य पेशा खेती है। भाउखेड़ी पंचायत में 20 सदस्य हैं, जो संविधान से मिले अधिकारों के जरिए पंचायत के विकास के काम को जमीन में उतार रहे हैं। पंचायत में स्वास्थ्य के लिए हेल्थ सेंटर, शिक्षा के लिए स्कूल और आर्थिक गतिविधियों के नजरिए से बैंक की शाखा मौजूद है, जिससे पंचायत के लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा और बैंक के लिए दूर नहीं जाना पड़ता। पंचायत में घुसते ही मुख्य सड़क नजर आती है, जो कि इस वक्त काफी बदहाल है। सड़क का एक बड़ा हिस्सा टूटा हुआ है। हालांकि पंचायत के सचिव बताते हैं कि इस रोड पर काम चल रहा है और विकास को लेकर पिछले कुछ वर्षों में नई परियोजनाएं भी शुरू हुई हैं। विकास काम चल रहे हैं। एक सीसी रोड अभी निर्माण काम चल रहा है, उस पर भी लगभग 5 से 6 लाख रुपए खर्च होंगे। और इसके अलावा ग्राम में माध्यमिक शाला है, प्राथमिक शाला है और हायर सेकेंडरी शाला तक स्कूल है, जिसमें
प्राइमरी और मिडिल में 232 बच्चे दर्ज हैं और 12 शिक्षकों का स्टाफ है। इसके अलावा हमारा उप स्वास्थ्य केंद्र भी है, उसमें 3-4 लोगों का स्टाफ है और ग्राम पंचायत हमारी है, इसमें 20 पंच हैं, हमें एक सरपंच है। असल में जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के मिलकर किए गए एक अनोखे प्रयोग ने भाऊखेड़ी पंचायत को न सिर्फ जिले बल्कि राज्य में एक अलग पहचान दिलाई है। भाऊखेड़ी पंचायत के पास ही 27 एकड़ की जमीन थी जिस पर कुछ साल पहले तक कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था। जिला स्तर पर काफी प्रयासों के बाद जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। राजस्व विभाग ने 27 एकड़ जमीन पंचायत को दी जिस पर मनरेगा आजीविका एकीकृत पार्क का निर्माण किया जा रहा है। 27 एकड़ जमीन पर हमने एक मनरेगा एवं आजीविका का पार्क विकसित किया है। जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि ऐसी शासकीय भूमि जिस पर अतिक्रमण हो उसको अतिक्रमण से मुक्त करा जाए और उसका विकास के कार्यों में उपयोग किया जाए, तो 27 एकड़ भूमि कई वर्षों तक अतिक्रमण में थी, उसको हमारे राजस्व अमले ने अतिक्रमण से मुक्त कराया और ग्रामीण विकास विभाग आजीविका मिशन के माध्यम से हमने उस 27 एकड़ ज़मीन पर एक मनरेगा आजीविका पार्क का विकास किया। इस तरह से हम इंटीग्रेटेड अप्रोच से भी कर रहे हैं और ये पूरा का पूरा सहायता समूह की दीदियों द्वारा संचालित है, तो उन्होंने इसमें कई तरह के बिजनेसेस शुरू कर दिए हैं और सभी बिजनेसेस से उन्होंने लाभ कमाना शुरू कर दिया है। इस मनरेगा आजीविका एकीकृत पार्क का मकसद मनरेगा के जरिए पंचायत के लोगों को न सिर्फ रोजगार देना बल्कि स्थायी संपत्ति और स्थायी आमदनी का निर्माण करना है। असल में पार्क विकसित करने का मुख्य उद्देश्य गोवंश का संरक्षण, स्थायी परिसंपत्ति का सृजन, स्थानीय स्वयं समूह के लोगों को स्थायी रोजगार और सरकारी जमीन का सदुपयोग शामिल है। एकीकृत पार्क का मुख्य उद्देश्य मनरेगा तथा आजीविका मिशन के अभिसरण से महिलाओं को स्थायी आजीविका के साधन उपलब्ध कराना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार ऐसी संरचनाओं का निर्माण किया गया है जिससे महिलाओं के आय में वृद्धि हो सके। इसमें गौशाला तथा चारागाह प्रमुख है। गौशाला में गौवंश का संरक्षण भी किया गया है तथा जो प्रोडक्ट उसमें निकल के आ रहे हैं जैसे गौमूत्र और गोबर, उनसे गौकास्ट और कीटनाशक बनाए जा रहे हैं जिन्हें मार्केट में सेल करके महिलाओं की आय बढ़ाई जा रही है। एकीकृत पार्क में एक साथ कई प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। इन सभी का संचालन अलग अलग स्वयं सहायता समूह कर रहे हैं जिनका नेतृत्व महिलाएं करती हैं और ये सब कुछ जिले के अधिकारियों की निगरानी और उनके मार्गदर्शन में हो रहा है। इसमें करीब अभी 10 तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यहाँ पे कंपाइलेशन ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज हैं। 10 तरह की एक्टिविटी को हमने कंपाइल किया एक जगह। पहली एक्टिविटी है हमारे यहाँ तुलसी कानन। तुलसी कानन की कॉस्ट 2.26 लाख है। इसमें हम 7 तरह की तुलसियाँ लगाएंगे। तुलसी के जो बीज आते हैं उन्हें हम मार्केट में बेचेंगे क्योंकि यहाँ पे ITC का एक बहुत बड़ा प्लांट है, तो ITC को बेच के हम पैसे कमाएंगे और इनकी SHG की जो महिलाएँ हैं उनकी इससे इनकम बढ़ेगी। दूसरी हमारी एक्टिविटी है कम्युनिटी न्यूट्रिशन गार्डन, तो जिसका मूल उद्देश्य है महिलाओं की न्यूट्रिशन की वैल्यू को पूरा करना। तो अब ये कम्युनिटी न्यूट्रिशन गार्डन का एरिया 2 हेक्टेयर का है तो हमें इसके लिए वाटर की भी ज़रूरत थी। तो तीसरी एक्टिविटी हमने यहाँ पे लिया है परकुलेशन टैंक जिसकी कैपेसिटी 5000 m³ की है जो यहाँ का वाटर लेवल को बढ़ाएगा। उसके बाद एक 4th एक्टिविटी है, हमने यहाँ पे फिश पॉन्ड डिज़ाइन किया है जो 10,000 फिश की कैपेसिटी है जिसकी, और वो 5000 m³ पानी का स्टोरेज भी कर सकता है और फिश भी हमें देगा। फिश को बेच के भी इनकी काफ़ी इनकम बढ़ेगी। एक्सपेक्टेड 10 लाख पर एनम की इनकम का हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं इससे। और उसके बाद 5th एक्टिविटी है यहाँ पे अप्रोच रोड जो कि 300 m का है और ये मनरेगा की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के इसमें पूरा ध्यान दिया गया है। उसके बाद हम फ्यूचर्स में कुछ एक्टिविटी यहाँ पे और प्लान कर रहे हैं जैसे CLF भवन इनके लिए रहने के लिए, जिसमें हम एक हॉल, 2 रूम और एक किचन का भी इंतजाम कर रहे हैं जहाँ पे ये खुद फूड को पकाएंगी और विजिटर जो भी यहाँ पे विजिटर आएगा उन्हें ये खिलाएंगी और इससे और इनकी इनकम में बढ़ोतरी होगी। उसके बाद हम एक सरकार की एक पॉलिसी है देवरण योजना जिसमें हम कुछ मेडिसिन प्लांट यहाँ पे उगाएंगे। इसने स्टीविया और मुनगा का प्लान किया है, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद अभी जो एक्टिविटी यहाँ चलाई जा रही है लेटेस्ट में वो है अमृत सरोवर, जो सरकार मोदी जी ने 75 अमृत सरोवर बनाने का
एक वो किया था, तो हमने एक डिज़ाइन किया यहाँ पे, उसकी कैपेसिटी 10,000 मीटर क्यूब है, जो पूरा का पूरा MPRDC द्वारा बनाया जा रहा है। 80 लाख की अनुमानित लागत से बनने वाला मनरेगा पार्क करीब 27 एकड़ में फैला हुआ है। एकीकृत पार्क में गौशाला से लेकर मछली पालन, ऑर्गेनिक सब्जियों जैसे प्याज लहसुन से लेकर टमाटर बैगन और औषधीय खेती में तुलसी एलोवेरा और अश्वगंधा की खेती होती है। इस पार्क के साथ करीब 187 परिवार जुड़े हुए हैं, यानी हर एक परिवार से एक महिला स्वयं सहायता समूह के जरिए अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। हमें ये भी देखना था कि यहाँ के जो जॉब कार्डधारी श्रमिक हैं मनरेगा के तहत, उनको अधिकतम लाभ मिले। 440 यहाँ पे परिवार थे, 596 यहाँ पे मजदूर थे, उनको भी हमें रोजगार उपलब्ध कराना था। तो यहाँ पे उसको देखते हुए कि यहाँ पर बजट करीबन 125 करोड़ रुपए का था, लेबर बजट 125 करोड़ रुपए का लेबर बजट था, तो 125 करोड़ रुपए के हमें कम से कम ये था कि हम इतने के एसेट यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। एकीकृत पार्क का आधार ये कन्हैया गौशाला है। करीब 28 लाख की लागत से ये गौशाला तैयार की गई है और इसका निर्माण मनरेगा के जरिए किया गया है। गौशाला में आवारा छोड़ दी गई गायों को लाकर रखा जाता है, उनकी देखभाल की जाती है और इन गायों की सेवा और देखभाल का जिम्मा एक स्वयं सहायता समूह के हाथ में है। अब इसमें गौशाला जब बन गई है तो उसका संचालन हमने स्व सहायता समूह की दीदियों को दिया। अब स्व सहायता समूह की दीदियों का स्थायी आजीविका विकसित करने के लिए यहाँ पे जो गोबर निकलता था उसके वो गोकास्ट के कंडे बनाती थी, गोकास्ट बनाती थी, दिए बनाते थे, मछली वो क्या मूर्तियाँ बनाती थी, यानी गोबर से मूर्तियाँ बनाती थी। जब जो गोमूत्र निकलता था उससे वो कीटनाशक दवाई वगैरह बनाती थी। अब इतने से जो यहाँ पे जो संगठन है जो जिसको गौशाला का संचालन कर रहा था वो 18 समूहों से मिलकर बना है। जिन गायों को लोग आवारा छोड़ देते थे उन्हीं गायों के गोबर और गौमूत्र से महिलाएं नए नए प्रोडक्ट तैयार कर रही हैं। जिस गाय के गोबर को कई लोग बेकार समझकर फेंकते थे उसी गोबर से महिलाएं ये सुंदर दीपक, गोकाष्ठ, वर्मी खाद, गमले, भगवान की मूर्तियां और इस तरह के करीब 26 प्रोडक्ट तैयार करती हैं। और इन सब की अच्छी खासी मांग है, तभी तो गांव से लेकर पड़ोस के बाजार तक इन प्रोडक्ट को बेचकर अब स्वयं सहायता समूह की महिलाएं न सिर्फ अपना घर चला रही हैं बल्कि गायों के खाने पीने का इंतजाम भी करती हैं। हमने पिछले साल 2021 में और 20 में हमने दीपक और गमले, चरण पादुकाएं, ये गोबर से मतलब बनाए हुए हैं। हमने 26 तरीका का प्रोडक्ट यहाँ पे बनाया हुआ है, उसमें हमारी दीदियाँ पूरा मतलब जो हमारी गरीब परिवार से जो दीदियाँ हैं वो यहाँ पे कार्य कर रही हैं। उनकी आजीविका बढ़ाने के लिए हमने ये सोचा है कि हमारी जो गौशाला है उसमें गोबर किस तरीके से हम उपयोग करें, तो हमने उसको गोकास्ट के रूप में उपयोग किया है, वर्मिक खाद के रूप में उपयोग किया है और हमने यहाँ पे 26 तरीके का प्रोडक्ट जैसे गमला है, चरण पादुका है, लक्ष्मी जी की मूर्ति है, गणेश पत्ते हैं और दीपक है, इस तरीके से हमने पूरा प्रोडक्ट बनाया और हम मार्केट में भी सेल कर रहे हैं इसको और हमारे गांव-गांव भी सेल होता है ये। ऐसा नहीं कि गाय का गोबर ही सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ की महिलाएं और कृषि सखी गौमूत्र के फायदे को पहचानती हैं, तभी तो वो गौमूत्र के शोध और उन पर नए प्रयोग कर उससे खेतों के लिए ऑर्गेनिक खाद और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड तैयार करती हैं। गौमूत्र से बनने वाले प्रोडक्ट की इस इलाके में अच्छी खासी मांग है। ये पूरी तरह केमिकल रहित हैं और बेहद कारगर भी, जिसके चलते इनकी मांग बढ़ती जा रही है और दाम बेहद कम है और इसीलिए धीरे धीरे अब कई गांवों के किसान जो पहले खेतों में रासायनिक खाद और दवा का इस्तेमाल करते थे वो किसान कम खर्च में जैविक खाद और ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कर अपनी उपज को बढ़ा रहे हैं और उनका खर्च भी पहले की तुलना में काफी कम हो रहा है। समूह से हमें बहुत कुछ फायदा हुआ, जिसके बाद में मैं ट्रेनिंग देने के लिए बुधनी गई, 8 दिन की ट्रेनिंग दी कृषि सखी की मैंने, जिसके बाद में 5 गांवों में मैं दीदियों को मीटिंग देने के लिए गई, जैविक खेती के बारे में समझाने के लिए गई,
और ये जैसे दवाइयों गौमूत्र की दवाइयाँ बनाते हैं अपन, अग्निअस्त्र, ब्रह्मअस्त्र, नीमअस्त्र, ऐसे अपन खेतों में डालते हैं। कंपोस्ट खाद भी अपन बनाते हैं, जैसे अपने जैविक खेती बनाते हैं उसमें यानी आमदनी जाती है। रासायनिक दवाइयाँ नहीं डालना चाहिए, यह जैविक खेती में डालना चाहिए। जैसे सब्जी में डालते हैं, सब्जी भी जैविक ही अपन करते हैं। तो आपने देखा कि गौशाला से जहां एक तरफ आवारा पशुओं को रहने की छत और खाने के लिए चारा मिला, तो वहीं पंचायत की महिलाओं को रोजगार और स्थायी आमदनी का जरिया। मनरेगा एकीकृत पार्क की दूसरी बड़ी परियोजना है मछली पालन। यहां पर मछली पालन के लिए कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं और इसकी प्रस्तावित लागत करीब 12 लाख रुपए है। इन तालाबों का निर्माण मनरेगा के तहत किया जा रहा है, जिनमें से एक तालाब में मछली पालन का काम शुरू हो चुका है। तालाब में पानी की कमी न हो, इसके लिए जमीन में पॉलीथीन और मछलियों को पक्षियों से बचाने के लिए नेट का इस्तेमाल किया गया है। कुछ महीने पहले ही इसमें पंगास किस्म की मछली के बीज डाले गए थे, जो अब धीरे धीरे बड़ी हो रही हैं, और इनकी देखभाल और इनके खाने का इंतजाम भी स्वयं सहायता समूह देखता है। इस पार्क के अंदर 12 काम मिले, जिसमें हमको एक मछली तालाब भी हमारे समूह को मिला। समूह का और ग्राम संगठन का अनुबंध हुआ। अनुबंध में हमको ये मछली तालाब दिया गया हमारे समूह को, जिसमें हमारे समूह की 10 से 12 दीदियां आकर इसमें खुदाई किया और पत्थर बीने के बाद पन्नियां बिछाई। पन्नी बिछाने के बाद इसमें पंचायत के द्वारा हमको पानी की व्यवस्था की गई, जिसमें हमने पानी डलवा कर उसके बाद फिर हमने इस पानी के अंदर 8,500 बच्चे डाले। मछली की सुरक्षा के लिए हमने 12,000 की जाली भी इसके अंदर डाली और इसको पूरा हमें पालने के लिए 3.5 लाख रुपए का हमारा इसमें खर्च हो जाएगा। 7 से 7.5 लाख आमदनी होगी, उसमें हमारा 3.5 लाख के समथिंग तो खर्च निकल जाएगा और 4 लाख रुपए हमारे समूह को प्रॉफिट होगा। एक तालाब से एक बार में करीब 3 से 4 लाख की अनुमानित आमदनी से समूह की महिलाएं बेहद उत्साहित हैं। उन्हें उम्मीद है कि उनकी मेहनत और सरकारी सहायता और ट्रेनिंग से मछली पालन का काम धीरे धीरे रफ्तार पकड़ेगा। एकीकृत पार्क में मछली का एक और तालाब बन रहा है, जिसमें मछली के बीज तैयार कर उन्हें खुद के और बाजार में बेचकर मुनाफा कमाने की तैयारी है। इस तालाब में जैसे जैसे मछलियों का आकार बढ़ रहा है, वैसे वैसे स्वयं सहायता समूह में शामिल महिलाओं का हौसला और उनकी आमदनी भी। और अब आपको लिए चलते हैं इसी मनरेगा एकीकृत पार्क के अगले हिस्से में। ये है पोषण वाटिका, जहां पर पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती की जाती है। पार्क में नींबू, आम, अमरूद जैसे तमाम तरह के फलदार पौधे लगाए गए हैं और इनके बीच में खाली पड़ी जगह में ऑर्गेनिक खेती का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें थाई अमरूद लगे हुए हैं, 400 पौधे के लगभग लगे हैं थाई अमरूद के, और उस पार्क में हमारे नींबू के लगे हैं 117 पौधे लगे हुए हैं, और आइट साइड खटर और आम लगे हुए हैं, और उधर क्यारी हमने मौसम्बी और संतरे लगाए थे, वो सुरझना भी लगाए हैं, सीताफल भी लगाए हैं, और ये पोषण वाटिका बीच में हमने सब्जी भी लगाई थी, तो अब वो तो निकल गई है, पर दूसरी सब्जी लगाने का वो कर रहे हैं हम। पोषण वाटिका के साथ साथ मनरेगा एकीकृत पार्क में औषधीय खेती भी हो रही है। इसमें तुलसी, एलोवेरा, मुनगा, स्टीविया और अश्वगंधा की खेती होती है। ये जो ढेर आप देख रहे हैं, ये अश्वगंधा की फसल है। मनरेगा पार्क में करीब 1.5 एकड़ में सर्दियों के मौसम में अश्वगंधा की फसल लगाई गई, जिसकी कटाई के बाद अब उसकी सफाई का काम चल रहा है। अश्वगंधा पौधे का हर हिस्सा बेहद कीमती है, जिसकी बाजार में मांग है, क्योंकि बीज, पत्तियां, टहनी, जड़ सभी कुछ दवाओं में इस्तेमाल होता है, और इसीलिए अब इन्हें अलग अलग कर इसकी पैकिंग की तैयारी हो रही है। अश्वगंधा की खरीद के लिए पंचायत ने एक निजी कंपनी से अनुबंध किया है, और जिसके बाद इस फसल से कई हजार रुपए की आमदनी इस समूह को होगी। हमने खेती में ये अश्वगंधा बोया,
जैसे 10 किलो बीज लाए थे, 10 किलो पे ढाई ढाई दो कुंटल ये बीज हुआ है अश्वगंधा अपने में। जैसे दीदी होन बोलते हैं कि अश्वगंधा खेती अच्छी रहती है, अब पहले साल से हमने अश्वगंधा लगाया, अब कम लगाए, अगले साल से हम ज़्यादा लगाएंगे, इसलिए अश्वगंधा की खेती हम अच्छी है। ये जैसे ये भी काम में आती है, जिसके तीन हिस्से में अश्वगंधा आती है। ये पत्ती अलग आती है जिसमें से बीज निकलता है, और जिसमें से ये लकड़ी ये दवाइये को काम में आती है। जिन खेतों पर पहले गेहूं या चना जैसे पारंपरिक फसल से किसान एक एकड़ में महज 8 से 10 हजार रुपए की आमदनी होती थी, उसी एक एकड़ में अश्वगंधा से 50 से 60 हजार की आमदनी होने की उम्मीद है। और इसीलिए औषधीय खेती से जुड़े किसान खुश हैं और अब अगली बार और अधिक रकबे में अश्वगंधा की खेती करने की सोच रहे हैं। तब हम चना गेहूँ की खेती करता था तो हमारे आमदनी नहीं थी, हम अश्वगंधा की खेती करने लग गए तो आमदनी खूब हो जाने लग गई, 40-45 हजार की आमदनी है एक कुंटल। अब पहले और बढ़ाएंगे इसको? हाँ बढ़ाएंगे। औषधि खेती से लेकर मछली पालन और वृक्षारोपण से लेकर सब्जियों के उत्पादन में पानी की उपलब्धता बेहद अहम होती है। पहले इस इलाके में पानी की किल्लत थी, लेकिन मनरेगा एकीकृत पार्क में पानी के लिए दो नए प्रयोग किए, जिसमें पहला प्रयोग अमृत सरोवर का है, जिसमें तालाब खोदकर उसमें पानी इकट्ठा कर इलाके में पानी की किल्लत को दूर किया जाता है। मनरेगा एकीकृत पार्क में अमृत सरोवर का काम तेजी के साथ चल रहा है और जल्द ही इससे इस पूरे के पूरे पार्क में पानी की किल्लत दूर हो जाएगी। वहीं दूसरा प्रयोग निर्मल नीर का है, जिसमें पास के पानी के स्रोत से पाइप के जरिए कुएं में पानी भरा जाता है और धीरे धीरे उस कुएं का जलस्तर बढ़ने लगता है। एकीकृत पार्क में बना ये कुआं इसका उदाहरण है, जिसमें पहले पानी बेहद कम था, लेकिन अब धीरे धीरे इसका जलस्तर बढ़ रहा है और इसी के पानी से ड्रिप के जरिए मनरेगा एकीकृत पार्क की तमाम पानी की मांग को पूरा किया जाता है। आज से लगभग 2 साल पहले जब हमारा मनरेगा आजीविका पार्क का कार्य शुरू हुआ था तो यहाँ के पानी की बहुत समस्या थी, पानी का कोई साधन नहीं था। उसको देखते हुए दीदियों की मांग पर हमने निर्मल नीर का कार्य शुरू किया मनरेगा योजना से निर्मल नीर का कार्य शुरू किया है। अब पानी की कोई समस्या नहीं हो रही, निर्मल नीर से ही पूरे मनरेगा आजीविका पार्क में ड्रिप के थ्रू पानी की सिंचाई की जा रही है, पानी की समस्या अब समाधान हो चुका है। तो आपने देखा कि कैसे एक नई सोच और जिला स्तर के अधिकारियों के सम्मिलित प्रयासों से मनरेगा के जरिए जहां लोगों को न सिर्फ स्थायी रोजगार मिल रहा है तो वहीं करीब 200 परिवारों की स्थायी आमदनी की शुरुआत हो चुकी है। साथ ही पंचायत ने मनरेगा के जरिए ही स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण किया है। तो ये कुछ ऐसे बदलाव हैं जो लोकतंत्र से मिले अधिकारों के सही इस्तेमाल से पंचायत स्तर पर मुमकिन हुए हैं। पंचायती राज का ही असर है कि पंचायतें अब सिर्फ खुद पैरों पर खड़ी हो रही हैं, बल्कि लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार दे रही हैं, उनके स्थायी आजीविका का इंतजाम कर रही हैं और साथ ही पौष्टिक और स्वास्थ्य के नजरिए से अहम फल सब्जियां और फसलों का उत्पादन कर एक नए व्यवहारिक मॉडल को सबके सामने पेश कर रही हैं।